कौन सा हल्का पड़ा ये? ये सर चमकौर साहब का गांव है, वैसे खरड़ भी साथ में। अच्छा, चन्नी साहब, चन्नी साहब वाला फसल फसल का की हाल है? गन्ने का मिला? गन्ने का पैसा नहीं मिला। कितना देर हो गए? जेडी सरकार दो दो साल हो गए जी। दो साल से फसल का दाम नहीं मिला। तकरीबन फसलां सारी खराब हो गई ऐतकी। साडे इलाके दे नौजवान तो जी इन्ने बेरोजगार बैठे हैं ना जी, जिहदी कोई हद नहीं जी, है बहुत ज्यादा बेरोजगार है जी। तो इस बार बदलाव करना ही नहीं करना? सर जरूर जी, जरूर बदलाव करना। देखो आज तक इन्होंने तीसरी धिर को पैदा नहीं होने दिया, जो हुई है उसकी जड़ को काटा है। लेकिन आप पूरा हिम्मत से लड़ो, हम तो आपके साथ हैं, जान दे देंगे। बस आपका साथ चाहिए बाबूजी, और कुछ नहीं। सर हुण सानू सबसे पहला जी, सबसे पहले थोड़ा ही साथ मिला दिल्ली चे जी। हां, जो असीं रैलियां ते गए जी, सानू पानी दा प्रबंध तुसीं कीता जी। अच्छा, आप गए थे वहां? हां जी सर, लैटरिंग दा प्रबंध सब गए थे, कोई बिना गए नहीं। राशन दा प्रबंध सानू तुसीं कीता जी। वाईफाई बारी बंदी हुई थी दिल्ली में, पता चला अस्पताल स्कूल? सर सब कुछ पता जी सानू। यहां स्कूल स्कूल कैसा है? सरकारी स्कूल है सर, स्कूलों में पोजीशन इतना ही है सर, बराबर है। अच्छा, एक जगह जहां 10-12 टीचर चाहिए, 5 टीचर हैं, क्या करेंगे बच्चे? है सरकारी स्कूल यहां? हां है। कौन सी क्लास तक है? 8वीं तक। नहीं, दिल्ली जैसे स्कूल बनाएंगे जी, शानदार। बहुत जबरदस्त भ्रष्टाचार है, पैसे देके नौकरियां? नहीं नहीं, नौकरी देंगे। अभी हमने दिल्ली में 1,00,000 नौकरियां निकाली। ये दो नहीं, भगवंत मान ने पिछले इलेक्शन भी बहुत दो ही पाई, बीए रड़े हुए हैं, बीरो रड़े हुए हैं, कोई नहीं मनिया। इंट मैं कैप्टन छाल मार के बाहर गया, मैं कैप्टन हूँ, जवाब मंगने का पब्लिक ने। 4.5 साल तक लोग नहीं, एक दिन नहीं आया, किसी सभा बिच नहीं आया, कोई इतने बड़े हमारे शहीदों के मेले लगते हैं, एक दिन नहीं। बहुत बहुत चंगा, बहुत अच्छा लगा आज आपके पास आके। और अब जैसे दिल्ली बदली है, ऐसे पंजाब भी बदली। कौन सा हल्का पड़ा ये? ये सर चमकौर साहब का गांव है, वैसे खरड़ भी साथ में। अच्छा, चन्नी साहब, चन्नी साहब वाला फसल फसल का की हाल है? गन्ने का मिला? गन्ने का पैसा नहीं मिला। कितना देर हो गए? जेडी सरकार दो साल हो गए जी। दो साल से फसल का दाम नहीं मिला। तकरीबन फसलां सारी खराब हुई जी ऐतकी। साडे इलाके दे नौजवान तो जी इन्ने बेरोजगार बैठे हैं ना जी, जिहदी कोई हद नहीं जी, है बहुत ज्यादा बेरोजगार है जी। तो इस बार बदलाव करना ही नहीं करना? सर जरूर जी, जरूर बदलाव करना। देखो आज तक इन्होंने तीसरी धिर को पैदा नहीं होने दिया, जो हुई है उसकी जड़ को काटा है। लेकिन आप पूरा हिम्मत से लड़ो, हम तो आपके साथ हैं, जान दे देंगे। बस आपका साथ चाहिए बाबूजी, और कुछ नहीं। सर हुण सानू सबसे पहला जी, सबसे पहले थोड़ा ही साथ मिला दिल्ली चे जी। हां, जो असी रैलियां ते गए जी, सानू पानी दा प्रबंध तुसी कीता जी। अच्छा, आप गए थे वहां? हां जी सर, लैटरिंग दा प्रबंध सब गए थे, कोई बिना गए नहीं। राशन दा प्रबंध सानू तुसी कीता जी। वाईफाई बारी बंदी हुई थी दिल्ली में, पता चला अस्पताल स्कूल? सर सब कुछ पता जी सानू। यहां स्कूल स्कूल कैसा है? सरकारी स्कूल है सर, स्कूलों में पोजीशन इतना ही है सर, बराबर है। अच्छा, एक जगह जहां 10-12 टीचर चाहिए, 5 टीचर हैं, क्या करेंगे बच्चे? है सरकारी स्कूल यहां? हां है। कौन सी क्लास तक है? 8वीं तक। नहीं, दिल्ली जैसे स्कूल बनाएंगे जी, शानदार। बहुत जबरदस्त भ्रष्टाचार है, पैसे देके नौकरियां? नहीं नहीं, नौकरी देंगे। अभी हमने दिल्ली में 1,00,000 नौकरियां निकाली। ये दो नहीं, भगवंत मान ने पिछले इलेक्शन भी बहुत दो ही पाई, बीए रड़े हुए हैं, बीरो रड़े हुए हैं, कोई नहीं मनिया। इंट मैं कैप्टन छाल मार के बाहर गया, कैप्टन हूँ जवाब मंगने का पब्लिक ने। 4.5 साल तक लोग नहीं, एक दिन नहीं आया, किसी सभा बिच नहीं आया, कोई इतने बड़े हमारे शहीदों के मेले लगते हैं, एक दिन नहीं। बहुत बहुत चंगा, बहुत अच्छा लगा आज आपके पास आके। और अब जैसे दिल्ली बदली है, ऐसे ही पंजाब भी बदली।